वहीं निवेश को धरातल पर उतारने की तैयारी है। योगी सरकार ने शुरू की तैयारी, जीआईएस 2023 में आए प्रस्तावों पर काम जारी, तो नई इकाई लगाने के लिए स्टैंप में छूट मिलेगी। इसके साथ ही औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत छूट होगी। बुंदेलखंड पूर्वांचल के लिए छूट सीमा अलग अलग होगी। इसके साथ ही पश्चिमांचल बंध्यांचल के लिए छूट सीमा अलग होगी। नोएडा गाजियाबाद के लिए छूट की सीमा अलग की गई है। इसके साथ ही निवेशकों को भूमि खरीद पर भी छूट मिलेगी। डीएम जिला उद्योग उपायुक्त की संतुति पर भी छूट मिलेगी। औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति में अधिसूचना जारी, तो पहले से लाभ ले रहे निवेशकों को दोबारा नहीं मिलेगी छूट। तो जीआईएस 2023 जिस तरह से आयोजित हुआ था, उसके बाद लगातार उन निवेश को किस तरह से धरातल पर उतारना है, इसकी कवायद अब तेज हो चुकी है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, जीआईएस 2023 का जिस तरह आयोजन हुआ, निवेश बड़े पैमाने पर आया, उसके बाद जो नजर थी कि आखिर इस निवेश को धरातल पर कैसे उतारा जाए, और देखिए अब इसी के लिए सरकार अपनी कवायद तेज कर चुका है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार जहां लगातार कोशिश कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश आए और उस निवेश के जरिए उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाया जाए, उत्तर प्रदेश जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ लगातार बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं चीजें आगे बढ़ाई जाए, तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर जो चीजें हैं वो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से संबंधित प्रदेश के सभी अधिकारियों को जारी है, जिसमें यह कहा गया है कि जो ई स्टाम्प और स्टाम्प में छूट की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है कि कोई नई इकाई लगती है तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की सब्सिडी के तहत यह छूट दी जाएगी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीति 2022-23 घोषित हुई थी उसमें इन बहुत सारी चीजों को लेकर जो रिबेट है वो आने वाले निवेशकों को दी जाने की घोषणा की गई थी, तो उसके तहत यह छूट दी जाएगी। हालांकि जो निवेशक एक बार छूट पा चुके हैं उनको दोबारा नहीं दी जानी है, एक ही बार यह छूट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पर निवेशकों को दी जा रही है ताकि वो अपनी यूनिट्स को आसानी से उत्तर प्रदेश में स्थापित कर सके। दूसरी बड़ी चीज यह है कि जो पूर्वांचल है, जो एक्सप्रेसवे के आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विकसित किए जा रहे हैं या जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास जो क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं वहां पर ज्यादा छूट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा रही है। खासतौर पर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ या जो दूसरे ऐसे इलाके हैं वहां पर छूट की सीमा इन इलाकों से थोड़ा कम है, तो इन सभी विषयों को लेकर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति के तहत ये निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को जारी किए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि इन चीजों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि बेहतर ढंग से चीजें आगे हो सकें ताकि जो निवेशक उत्तर प्रदेश में एमओयू साइन कर चुके हैं वो निवेश धरातल पर उतरे। और जहां विपक्ष लगातार इन सारी चीजों को लेकर सवाल उठा रहा था, कहीं ना कहीं उन सवालों का जवाब भी इसके जरिए दिया जा सके। जी ठीक है, इसकी बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।